My name is Shrikant Parab. I am secretary of this society, Shatadal Cooperative Housing Society, Andheri West mein located hai ye. We have been staying here since 1979. Kafi purani building hai. Ye building members ne khud banayi hai. To yahan pe jitne bhi members hai, usme majority abhi senior citizens hai. Yahan pe bahut petty choriyan hoti thi, you know. Jaise ki beech mein koi aaya, sare door ke latches utha ke leke gaya tha. या तो फिर बाइसिकल रॉबरी वॉज अ वेरी कॉमन हियर. जब भी मैंने चार्ज लिया एज अ सेक्रेटरी, उसके तुरंत बाद 6 या 7 साइकिल चली गई थी. सो इट वॉज वेरी डेंजरस सिचुएशन. एक इंसिडेंस तो ऐसे हुआ था कि साइकिल 7th फ्लोर पे खड़ी की गई थी और वहाँ से चोर उठा के लेके गया. तो अगर चोर 7वें माले तक पहुँच गया, मतलब एक डोर स्टेप तक आ गया आपका, एक कदम में वो आपके घर पे घुस सकते हैं. दैट वॉज द सिचुएशन. इट वॉज़ वेरी अलार्मिंग. अभी जब भी ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी थी या तो हमें रेस्ट्रिक्ट करनी थी, तो हमने बहुत सोचा सिक्योरिटी गार्ड्स चेंज करें क्या, ये करें क्या. हमने बहुत वैसे स्टेप्स भी लिए, बट कितनी भी अच्छी सिक्योरिटी हो, रात को सो जाते बिकॉज दे आर ह्यूमन्स आफ्टर ऑल. सो रात को सोना सो ही जाते. सो सारे एंगल्स हमने कंसिडर करने के बाद हमने ज़ाइकॉम के लिए अप्रूवल ले लिया मैनेजिंग कमेटी का और हमने इंस्टॉल कर लिए. सो इंस्टॉल करने के तुरंत बाद हमें उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए. सबसे पहले जितनी साइकिल्स चोरी हो रही थी, ये हो रहा था, छोटी छोटी जो चोरियाँ हो रही थी सब रुक गई. एज ऑफ नाउ अभी 1 साल हुआ हमें ज़ाइकॉम लगा के, और पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से 1 या 2 इंसिडेंसेस अटेम्प्ट किए गए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए. सो दैट इज़ बिग 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 अचीवमेंट. सिक्योरिटी बीइंग द मेन कंसर्न इन टूडेज़ वर्ल्ड, आई थिंक वॉट सर्विस ज़ाइकॉम इज़ प्रोवाइडिंग इज़ अ बून. हमारी जैसी सोसाइटी जहाँ पे 99 मेम्बर्स है, बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं जो हमें पता भी नहीं होते कि वो कौन है, किसके घर पे आए हैं, क्या काम से आए हैं. सो ऐसी समय पे मेरे ख्याल से जो सीसीटीवी कैमरा का रजिस्टर लगा हुआ है हमारे गेट पे बहुत काम आता है. वी हैव अ ट्रैक ऑफ एवरी पर्सन हु स्टेप्स इन आवर सोसाइटी. वी हैव अ ट्रैक ऑफ एवरी पर्सन हु एंड देयर मूवमेंट्स इन आवर सोसाइटी, कि वो कौन सी बिल्डिंग में गया, कितने बजे गया, कहाँ पे गया. ऑल दोज थिंग्स आर नाउ रिकॉर्डेड. वी हैव गॉट द रिकॉर्ड्स. वी चेक इट वेरी रेगुलरली. 40 डेज का रिकॉर्डिंग होता है. अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बैकअप ले लेते हैं, कुछ अनयूजुअल इवेंट्स के भी बैकअप ले लेते हैं. सो ये सारा कुछ हमें अभी बहुत यूजफुल लग रहा है. एंड इट इज़ नो मोर लग्जरी, इट इज़ द नेसेसिटी. हमारे कोई मतलब लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी ये कैमराज यूज़ होते हैं. जैसे किसी की कोई चीज़ कहाँ पे घूम गई हो तो सीसीटीवी फुटेज देख के हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कहाँ पे कहाँ पे मिल सकती है, एंड हम वहाँ से रिट्राइव करते हैं. बाद में सिक्योरिटी के अलावा ये कैमराज हमें क्लीनलीनेस के लिए बहुत यूज़फुल हो रहे हैं. बिकॉज पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, कौन कचरा डाल रहा है, हम उसे पकड़ते हैं. हमने बीच में ऐसे किया था कि जहाँ हमें पता चला कि इनकी घर से कचरा आया हुआ है, उनके घर में वापस जाके कचरा हमने दे दिया था कि ये आपका कचरा है, संभालो. एंड दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस सीसीटीवी कैमराज. हम पुलिस पे बहुत बर्डन डालते हैं. हमारे यहाँ पे जब भी रॉबरीज हुई थी तभी भी हमने पुलिस पे प्रेशर डाला था, बट पुलिस कुछ नहीं कर सकती है बिकॉज चोर चोरी करके चला जाता है. इनफैक्ट अभी पुलिस हमारे सोसाइटी में आती है कि आपकी सीसीटीवी कैमराज के हमें फुटेज देखनी है. कभी चेन स्नैचिंग इंसिडेंसेस होते हैं तो वो यहाँ से भागते हैं, तो उनको वो फुटेज की बहुत यूज़फुल होते हैं वो फुटेज. तो मेरे ख्याल से सीसीटीवी हैज़ बिकम अ बून फॉर दिस सोसाइटी. और सभी अगर हमारी लेन में सभी सोसाइटी या सीसीटीवीज लगाएंगे तो आई थिंक पूरी लेन सिक्योर हो जाएगी.